अस्सलाम वालेकुम, मैं सुराज राब दे रहे हैं लर्निंग सुराज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 को हम खत्म कर देंगे और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 से आगाज कर देंगे। तो आज के दिन क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भी आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसा पिछले वीडियोस में लेट किया तो उसको मैं यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यू ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, और ये आपके पास आ गया डी यू बाई डी एक्स। आप पावर रूल लगा क्वेश्चन रूल लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर लगेगा सी एक्स प्लस डी का नीचे वाली टर्म का स्केयर डिनोमिनेटर में सी एक्स प्लस डी एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का जो उनसे आपके पास डेरिवेटिव आएगा वो ए है माइनस ए एक्स प्लस पी एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का जो उनका डेरिवेटिव है वो आपके पास सी आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर लें यहाँ पर, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बचेगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स और प्लस बी सी, और सी एक्स प्लस डी का स्केयर, और यहां पर क्या होता है कि ए सी एक्स कैंसल हो जाएगा हमारे पास, और ऊपर बचेगा हमारे पास ए डी प्लस बी सी, और नीचे बचेगा सी एक्स प्लस डी सी डी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आया है डी यू बाई डी एक्स। इसको वी लेट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, और इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वी बाई डी एक्स नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2ax प्लस सॉरी माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव भी 2ax। मैं यहां से 2ax कॉमन ले लेता हूं तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मुझे क्या फायदा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस डी माइनस ax स्क्वायर माइनस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी और इसका होल का स्क्वायर 2ax, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर से कैंसिल और अंदर बच गया डी माइनस बी, और ये आपके पास आ गया ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है डी वी बाई डी एक्स। हमें चाहिए डी एक्स बाई डी वी, क्योंकि फॉर्मूले में हमें पुट करना होता है तो हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर तो 2ax और ये बच के डी माइनस बी। तो अब हमने वैल्यूज तो कैलकुलेट कर ली हैं, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चेन रूल से हम इसके अंदर क्या करेंगे कि फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो सा इसकी फाइनल टर्म आ जाएगी। तो यहां पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ा सा इसको रेस कर देता हूँ यहां से, और मैं यहां पर सबसे पहले फार्मूला राइट करूंगा, तो उसके बाद हम इसको वैल्यूज को वहां पर पुट करेंगे और हमारे पास जो सा इसकी फाइनल टर्म जो सी है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं डी यू बाई डी वी मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। फार्मूला लिखने का तरीका मैंने आपको आसान बता दिया है, चेन रूल डी यू यहाँ पर लिखेंगे डी वी, और इसके बाद ये पर डी एक्स और डी एक्स, अब सिंपल वैल्यूज पुट करें डी यू बाई डी एक्स आपके पास ये लिखा हुआ है तो इसको लिखें ए डी प्लस बी सी, नीचे आपके पास क्या बचेगा ए है, नीचे आपके पास क्या है सी एक्स प्लस डी का होल का स्क्वायर, फिर ये आप वैल्यू लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, नीचे आपके पास बचेगा 2ax और d माइनस बी। कटिंग कर ले अगर होती है कटिंग, वरना नहीं अगर हो रही तो फिर भी यहाँ पर ये आपके पास जो सा इसका आंसर सही आ जाएगा, यहाँ पर ad प्लस bc और ये बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी और ये होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है 2ax और सी एक्स प्लस डी का स्केयर, और यहाँ पर आ जाएगा डी माइनस पी, और ये हमारे पास जो सा इसकी फाइनल टर्म होगी। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट जो सा वो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आज की वीडियो में डिस्कस कर लें और इस एक्सरसाइज को जो सा है वाइंड अप कर देते हैं यहीं पर। तो ये भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, यहाँ पर काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और जिस तरह पहले पीछे किया डेरिवेटिव वैसे ही इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये मुश्किल नहीं है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी सिमिलरली वैसा ही होगा, मैं कोशिश यही करता हूँ कि तमाम क्वेश्चन जो उनसे वो एक ही पैटर्न से कराऊं ताकि जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो
तो आपके दिमाग में जो सा है वो क्वेश्चन मिक्स अप ना हो, चेन रूल के हवाले से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए वो आपके सामने मिक्स ना हो, आपके सामने एक ही इमेज बने, उसके मुताबिक आप जो सा है उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो यहां पर अब क्या है कि इसको लेट कर लेता हूं मैं यू एक्स केयर प्लस वन एक्स केयर माइनस वन, तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन रूल लगाएंगे एक्स के एक्स केयर माइनस वन का नीचे स्केयर एक्स केयर माइनस वन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव टू एक्स और क्या होगा कि माइनस एक्स केयर प्लस वन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव टू एक्स और टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स केयर माइनस वन माइनस एक्स केयर माइनस वन नीचे एक्स केयर माइनस वन का होल का स्केयर, तो इसको थोड़ा यहां पर करके लिख लेते हैं टू एक्स एक्स केयर से कैंसल माइनस टू एक्स केयर माइनस वन का स्केयर, ठीक हो गया। डी यू बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर हमारे पास डी यू बाई डी एक्स आ चुका। सिमिलरली अब ये भी निकालेंगे v हमारे पास क्या है x क्यूब और इसका डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, इंतहा आसान है, पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे और पावर के अंदर का डेरिवेटिव वन और हमारे पास थ्री एक्स स्केयर आ चुका है डी वी बाई डी एक्स और हमें क्या चाहिए डी एक्स बाई डी वी, डी एक्स बाई डी वी हमारे पास आ जाएगा वन ओवर थ्री स्केयर। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, बस फार्मूले में पुट करें और आपके पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। बाय क्वेश्चन रूल सॉरी बाय चेन रूल डी यू बाई डी वी फाइंड करना चाह रहे हैं, डी यू यहां पर लिखें डी वी यहां पर लिखें और ये मैं आपको काफी ज्यादा आसान तरीका बताया है। यहाँ पर इस चीज को वैसे समझने का जो उनका असल तरीका यही होता है, जो इसका ओरिजिनल टर्म क्या होती है ये आपके पास इस टर्म में लिखा होता है डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, ये आपके पास ऐसे लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर अब होता क्या है कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे नहीं लिखवाता, जब भी किसी को समझाऊं या ऐसे करूं तो मैं ये नहीं बताता कि ऐसे करें, ये मैं आसान तरीका ये बताता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये भी समझ आना ज़रूरी है कि जो सा सबसे नीचे वाला टर्म होती है यानी फोर्थ नंबर वाली टर्म होती है, एक रूल है जिसके अंदर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये जो सी है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो जब इसको हम इस तरह करके लिखेंगे जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा डी यू बाय ये बन जाएगा डी एक्स और ये जो सा है इसके साथ नीचे वाले के साथ आ जाएगा डी एक्स और ये डी वी, ये कुछ इस तरह बनता है फॉर्मूला जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये इसकी ओरिजिनल टर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वैसे मैं आसान तरीका आपको यही बताता हूँ कि आप इस तरह लिखा करें तो आपको जो सा कन्फ्यूजन नहीं होगा, डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या है माइनस फोर एक्स और नीचे है एक्स केयर माइनस वन का स्केयर, डी एक्स बाई डी वी हमारे पास क्या है वन ओवर थ्री एक्स स्केयर। इसको अब देखते हैं, अब हम इसको यहाँ पर मजीद अगर सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या बनता है, एक एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बस बच जाएगा थ्री यानी कि माइनस फोर बाय थ्री, माइनस फोर बाय थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर क्या है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी ठीक हो जाता है, बाजुकात होता है कि मैक्सिमम टर्म भी अगर आप लेके जाना चाहिए, वैसे मैं ये कहता हूँ कि जब आप एग्जाम के अंदर सॉल्व करें यहाँ पर तो चलो ठीक है, यहाँ पर बात खत्म होगी कि यहाँ पर भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर जाते हैं तो वहां पर आप कोशिश ये किया करें, काफी ज्यादा क्वेश्चन जो उनसे हैं वो आपको अनसीन भी आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो वहां पर आप क्या करें कि आप फर्स्ट सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो जब आप डेरिवेटिव ले लें तो मैक्सिमम कोशिश ये किया करें कि उसको एंड टू एंड जो उनसा है उसको सॉल्व कर दिए करें, ताकि सिंप्लीफाई ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिए करें, ताकि इससे होता है कि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है तो उसके पास तो क्वेश्चंस की कीज होती हैं, आपको बाजूकात ये होता है कि अनसीन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैथ के तो टोटल यही होता है कि आप याद तो नहीं कर सकते सवाल, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर तो याद तो नहीं हम कर सकते इतने ज़्यादा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको अनसीन भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये कोशिश किया करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन जिनसे सॉल्व कर लिया करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर का आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस फोर है, यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स
ये फॉर्मूला बनते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए यहाँ पर सिंप्लीफाई। तो यूं हमने 2.4 एक्सरसाइज भी खत्म कर ली, और काफी ज्यादा आसान एक्सरसाइज थी और इंपॉर्टेंट भी थी। पेपर में लाजमी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, चेन रूल के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन कंसेप्ट को आपको समझना जरूरी है, चेन रूल के चेन रूल लिखा कैसा जाता है और इसका जो सी नोटेशन है वो समझें आप चेन रूल की अच्छी तरह, और कोशिश किया करें कि आप बुक से बाहर से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी कि सारे बुक्स, मुझे पता है कि बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, एफएससी लेवल पर भी और मैट्रिक लेवल के ऊपर भी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, लेकिन कोशिश ये किया करें अपने से एग्जाम्पल्स बना लें। यानी कि अगर आप देखें कि ये क्वेश्चन था मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू, मैंने लिया था एक्स क्यूब, तो अब आप बना लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब प्लस वन, नीचे भी लिख दें एक्स फोर प्लस वन, अपने से बना लें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना लें अपने से। इससे फायदा ये होगा कि जो आपका अपना बनाया हुआ क्वेश्चन होगा जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, और आपके अंदर जो है वो इतमाद खुद इतमादी पैदा होगी कि आप कोई भी क्वेश्चन आप जो आज है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो पेपर से एक दो दिन पहले जब आप जो पढ़ते हैं, यानी कि तमाम स्टूडेंट ज़्यादातर रट्टा ही लगा देते होते हैं मैथ को, तो उस रात को आप जो है आप बिल्कुल सुकून से बैठे होंगे और आप सिर्फ फार्मूलाज देख रहे होंगे, एक नज़र मार रहे होंगे और इनके मेथड्स देख रहे होंगे, ना कि आप इनको रटा लगा रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.6 शुरू करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।